ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं वीआईपी शेयर। और इस बीच हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ चुकी है। आस्था, सबसे पहले गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक पिक रेकमेंड करना चाहेंगे फंडामेंटल्स के बेसिस पर? गुड आफ्टरनून, जो पसंद आता है वो डॉक्टर रेडीज का स्टॉक है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 7150 के टारगेट्स के लिए। समय सीमा एक महीने की रह सकती है। डॉक्टर रेडीज की करें तो जिस चौथाई जो 2000 वित्तीय वर्ष 24 था उसमें जो चौथी तिमाही में काफी बढ़िया कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उसका मेजर कारण यूएस मार्केट थे। आगे जाते हुए भी कंपनी का पूरा फोकस है कि वो इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में और पूरा एक प्रोडक्ट पाइपलाइन बढ़िया यहाँ पे तैयारी करने की यहाँ पे पूरी बनाने की पूरी तैयारी है और ऑपरेशनल एक्सीलेंस को भी कंपनी बने लगाएगी। तो मुझे लगता है इन सबके स्टेप्स की वजह से कंपनी के मार्जिन जो है रहेंगे आने वाले समय में। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएनडी जिस तरह से कंपनी का एक फोटे है आरएनडी में और कंपनी पूरा यहाँ पे एक एम है उनका कि 20 से नए प्रोडक्ट यूएस जेनरिक सेगमेंट आए उनका कंपनी के फायदेमंद साबित नजर आए। करने की सलाह रहेगी 7150 के टारगेट के लिए। समय से एक महीना रखी जा सकती है। सेक्टर से डॉक्टर रेड्डीज को खरीदने की सलाह, 7150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और एक महीने का टाइम होराइजन। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। हमने कुछ एफएमसीजी शेयरों की बात ब्रेक के पहले भी की थी। इमामी पर नजर डालते हैं। करीब 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। याद रखें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में कल में भी काफी एक्शन था। कुछ एफएमसीजी कंपनियों के ऑपरेशनल अपडेट्स काफी अच्छे आए थे जिसके चलते कल काफी एक्शन था और इमामी करीब 3% की तेजी। सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 650 रुपए प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 900 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, मैक्रो सिनेरियो काफी अच्छा है एफएमसीजी इंडेक्स के लिए और उसी के चलते सेक्टर रीरेटिंग हो सकता है, जिसके चलते इमामी पर भी उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 900 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और स्टॉक में भी 3% की तेजी है। ये तो हुई फंडामेंटल वजह, टेक्निकल्स पर भी जान लेते हैं। देवांग, आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी थी, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? और इमामी के स्टॉक पर भी अपनी राय बताएं। इमामी की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, देखने मिला है। हाई टॉप अर्बन स्ट्रक्चर में स्टॉक ऑल्सो ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड अभी भी देखने मिल सकता है। अराउंड 800 तक के जोन है देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 750 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी।